पुलिस थाना डेरा बाबा नानक अंदर पैंदी चौकी मालेवाल दे पिंड तलमंडी रामा दी औरत कवलजीत कौर जो बीती 13 जून 2023 नूं अपने बेटे सहजप्रीत सिंह नाल मोटरसाइकिल ते सवार के अपने पेके परिवार नूं मिलण लई पिंड तलमंडी रामा तों हरदौर वल नूं जांदे रस्ते राहीं जा रहे सन। जद ओह पिंड टरपला तों थोड़ा अगे पिंड हरदौर कलां नेड़े पुज्जे तां पिछों पलटीना मोटरसाइकिल सवार दो नौजवानां ने लुट्ट दी नीयत नाल चलदे मोटरसाइकिल तों औरत कोलों पर्स खोहण दी कोशिश की गई। मोटरसाइकिल डोलण नाल मां ते उसका पुत्र सड़क उपर डिगे जिस नाल उस औरत दे सिर उपर गंभीर सट्टां लगियां जिस नूं इलाज लई परिवारक मैंबरां नूं फतेहगढ़ चूड़ी दे निजी हस्पताल लिजाया गया पर डाक्टरां वालों उसकी हालत नूं देखते ही उस नूं अमृतसर के स्कोट हस्पताल रैफर कर दिता जिथे उसकी बीती 17 जून नूं इलाज दौरान मौत हो गई। इस संबंधी पुलिस चौकी माले वालों मृतक कवलजीत कौर के पुत्र सहजप्रीत सिंह के बयानों के आधार से अनपसाते लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया सी पर इन्ने दिन बीत जाने बावजूद भी पुलिस वालों उन्होंने लुटेरों की शनाख्त करके गिरफ्तार नहीं किया गया जिसनों लैके अज परिवार वालों इंसाफ लैण लई प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। इस संबंधी जदों साडे वालों पुलिस चौकी मालेवाल के इंचार्ज रणजीत सिंह नाल गलबात की गई तो उन्हें उच्च अधिकारियों का हवाला दे के कैमरे सामने बोलने को मना कर दिता अते कहा है इस मामले में पुलिस पूरी तरह सरगर्म है तो जल्द ही उक्त लुटेरा गिरोह की शनाख्त करके परिवार को बनता इंसाफ दवाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आल पंजाब न्यूज। मैं सर दलजीत सिंह पिंड तलवंडी रामा मैं यही कहना चाहता भी मेरी पत्नी मेरा बेटा अपने पेके मेरी मैडम जा रही बच्चा अपने नानके जा रहा है शाम को 5:30-6 बजे घरों जाते हैं तो 6 बजे हरिद्वार करां तो थोड़ा जहा पिछे मतलब इन्हों का दो लटेरे पिछों आते हैं तो बेटे का जोड़ा उन्होंने मोटरसाइकिल चालक है वो बेटे का गुट फड़ लेता वा तो पिछे का जोड़ा बैग खिंच लेता तो वह उत्थे ही डिग पेंदे ने तो उदो बाद उठे नहीं इन्होंने ये घटना 13 जून की थी। हाँ जी उस बाद पिंड को दो चार बंदे लै गए तो इन्हों पहला ये बेटा मेरा नाल ही महाजना हस्पताल फतेहगढ़ चूड़ियां लैके जाते हैं तो उन्हें जवाब देता कहते अमृतसर लै जाओ तो बेटा मेरा तो नालो गड्डी वाला जिहड़े सज्जन मित्र वो मतलब इन्होंने स्कॉट हॉस्पिटल अमृतसर लै गए 13 जून नूं शाम नूं। मैं उस टाइम ड्यूटी ते ही अरुणाचल मेरी आर्मी च ड्यूटी है डिफेंस सर्विस सिक्योरिटी कोर च मैं जॉब करना पाया। मैनू शाम नूं कोई 8:30-8 बजे पता लगा मेरी उदो बेटे ने गल आई इन्होंने सब कुछ दस्या मैंने भी आह गल हो जी। हाँ जी 17 जून में इन की मौत हो जाती है सवेरे 4:15 बजे बेटे को फोन आता मेरे नाल ही बैठा है तो इनू मैं क्या मैं कितने जा रहा तू कहता मैंने फोन आया उन्होंने तो मैं तू रुक एक मिनट मैं जाना तेरे नाल फिर मैं गया उ मतलब उन्होंने जाते जवाब देता उन्होंने उदो इस संबंधी मतलब 13 जून पहला वो अपने गए ने पुलिस मुलाजम उत्थे स्कॉट हॉस्पिटल बयान लिख के लैके आए ने उस तो बाद 17 जून अं फिर गए हैं SHO दिलप्रीत को उन्हें कहा भी अं आदमी ट्रेस कर लेने अं जल्दी ही तुहानूं इंसाफ दवावे तो अजे तक कोई इंसाफ नहीं। उदों बाद हलका MLA गुरदीप सिंह रंधावे तो भी फोन करवाया तां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अजे तक। हाँ जी उन्होंने हरिद्वार करां चो CCTV फोटो चो निकली है वीडियो भी निकली है उदों उस टाइम उन्होंने मूँह बन लिया पहला तो उन्होंने मूँह खुला ही उन्होंने मूँह नहीं पता उन्होंने। हाँ जी अं यही चाहते हैं जी इंसाफ दवाया जाए सानू वेखो एक आर्मी के बंदे इंसाफ नहीं मिल रहा इस माहौल के आम बंद की इंसाफ मिलेगा इतों बहुत ढिली कार्रवाई है जी पुलिस की सानू यो विश्वास दवाते जो जाइए अजे परसों मैं बुधवार DSP साहब को SI साहब मिल के हाँ यही गल कही जा रही है भी अं ते नाल हैं अं तो बंदे दोषी छेती फड़ लेने मतलब 4 महीने हो चुके अजे तक दोषी इन्हें कोई एक भी नहीं फड़या गया ना जानू दिलप्रीत तो कह रही भी मैं रेड की है मैंने घर कोई नहीं मिले ना उन्हें दस्या भी किस पिंड रेड की है किस घर से रेड की है अजे तक वो भी नहीं सानू दस्या जा रहा दोषी भी लगाए जा रहे साढ़े तो पुलिस भी रली हुई है इन्होंने नाल मतलब पुलिस भी रली हुई जो दोषी भी लगाए जा रहे हैं साढ़े तो मैं अपना SSP बटाला भी मिल गया उन्होंने तो भी लैटर इतने डेरे आया वा फिर मैं आर्मी तो भी लैटर पवाया वा अजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई लैटर से आर्मी के लैटर से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तो अगे वेखो जी हम अगला स्टैप मेरा यही है मतलब जो दोषी ना फड़े गए कुछ दिन तक
अगला स्टैप यह है भी मतलब किसान जथेबंदियां होर जथेबंदियां नाल लैके ते डेरा बाबा नानक थाने का घराव किया जाएगा। पिछले समय जिहड़ी मेरा वीर है दलजीत सिंह इहदी वाइफ अपने पेके घर जा रही सी, कोई लुट खोह वालिया ने उन्होंने को लुट खोहण की कोशिश की, परस खोहण की कोशिश की, तो उस दौरान उहदे सिर विच सट लग गई तो उन्होंने दाखिल कराया गया अमृतसर विखे, जिहदे विच इलाज के दौरान उन्होंने मौत हो गई। पुलिस ने बड़ा विश्वास दवाया सी कि सानू तुहानू इंसाफ दवावांगे, पर पिछले दो ढाई तीन महीने तो कोई भी कार्रवाई पुलिस वालों नहीं की गई। तो अं चाहते हाँ कि पंजाब पुलिस को भी बेनती है, प्रशासन को भी बेनती है, तो पार्टी आम आदमी पार्टी को भी बेनती है जो मौजूदा सरकार है कि इसका इंसाफ जल्दी तो जल्दी दलजीत सिंह नूं अते परिवार नूं अते इलाके दे विच हो रही लुटा खोहां नूं भी ठल पएगी। पुलिस ने सानू विश्वास तो बहुत दिता ही कि असी लुट खोह वालियां नूं जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिता कि मतलब अही उन्होंने तक पहुँच की है, पर उस दिन सानू विश्वास दवा के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, तो विश्वास जिहड़ा पुलिस ने साडा तोड़ता, मनोबल ही तोड़ता, तो कोई इंसाफ नहीं दवाया।